मैं 15 मिनट तक अपनी सांस रोक सकता हूँ, मौत को छू के टक से वापस आ सकता हूँ। हेलो 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 यूएन काउंसिल रेजोल्यूशन नंबर 47 ऑफ 1948। जी मेरे टांग को मेरे नोज तक टच कर सकती हूँ। हाउ क्यूट, इट्स माय टैलेंट। शो वेरी नाइस। ओ नो, एक टाइम पर अपनी क्रिएटिविटी और जादू के लिए जानी जाने वाली हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की हालत आखिर इतनी खराब हो कैसे गई, और बॉलीवुड की शुरुआत हुई कैसे, और क्या सच में हमारी गलतियों की वजह से बॉलीवुड इंडस्ट्री पूरी खत्म होने वाली है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। वो गेम को खुश हो, लेकिन हमारा हिंदुस्तान जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। अंग्रेजों के जमाने के जेलर हैं। कितने आदमी थे? बाप का, दादा का, भाई का, सबका बदला ले अगर अपना फैजल। बसंती, इन कुत्तों के सामने मत नाचना। मैं जान कहती थी, कोई धंधा छोटा नहीं होता। उसके पीछे डेविल, आपके पीछे टू मच फन। हम उसके हम पे किसका जोर? सूरज निकले चारों ओर। हिंदी सिनेमा जगत की शुरुआत के लिए हमें जाना होगा साल 1913 में, जब भारत की पहली फीचर फिल्म राजा हरिश्चंद्र रिलीज हुई, जिसे हिंदी सिनेमा के फादर कहे जाने वाले दादा साहब फाल्के ने बनाया था। हालांकि उस टाइम पर रिलीज हुई ये फिल्म एक साइलेंट फिल्म थी, जिसमें कोई भी साउंड इफेक्ट या आवाज नहीं थी। और तो और, इस फिल्म में महिलाओं के किरदारों को भी लड़कों ही ने किया था, क्योंकि उस टाइम पर लोग फिल्म को काफी बुरी नजर से देखते थे, जिसकी वजह से कोई भी महिला इस इंडस्ट्री में काम करने से कतराती थी। पर फिर भी ये फिल्म काफी ज्यादा हिट हुई। राजा हरिश्चंद्र की सफलता के बाद दादा साहब फाल्के ने 1913 से 1918 के बीच 23 और फिल्में बनाई, जिसमें से एक मूवी थी मोहिनी भस्मासुर, जिसमें जाकर पहली बार किसी लड़की ने काम किया था, जिनका नाम था दुर्गाबाई कामत, और इन्हें हिंदी फिल्म की पहली एक्ट्रेस के नाम से भी जाना जाता है। साल आया 1931 का, जब भारत की पहली टॉकी फिल्म आलम आरा रिलीज हुई। ये अपने में पहली ऐसी फिल्म थी जिसमें लोगों के बोलने की आवाज और म्यूजिक तक थी। आलम आरा, क्या ये सच है कि कल रात हमारे सिपाहियों और रियाया के कुछ लोगों ने तुम्हें एक अजनबी के साथ गिरफ्तार किया? साल 1918 में द्वारकादास संपत ने भारत का पहला फिल्म स्टूडियो कोहिनूर फिल्म कंपनी के नाम से खोला, और साल 1935 में मूवी आई देवदास, नहीं ये वाली, जो कि कमर्शियली काफी ज्यादा हिट हुई। साल 1936 में फिल्म रिलीज हुई संत तुकाराम, ये भारत की पहली फिल्म बनी जो वेनिस फिल्म फेस्टिवल में रिलीज हुई, और साल 1937 में भारत की पहली कलर फिल्म किशन कन्हैया को रिलीज किया गया, जिसके बाद धीरे धीरे करके और भी फिल्म रिलीज होती चली गई। और भले ही इंडिया में काफी ज्यादा मूवीज रिलीज हो रही थी, पर अभी भी हिंदी सिनेमा में कमी थी कुछ चेहरों की, जो इस इंडस्ट्री को एक अलग पहचान देते हैं। और ये कमी जाकर पूरी हुई 1947 से 1960 के बीच, जिसे आज भी फिल्मी जगत का गोल्डन एज कहा जाता है। इसी गोल्डन एज में हिंदी सिनेमा को मिले दिलीप कुमार, राज कपूर और देवानंद जैसे चेहरे, जिसने आखिरकार जाकर दी हिंदी सिनेमा को उसकी असली पहचान। उस टाइम के सदाबहार गानों ने हिंदी सिनेमा के शौकीनों को अपनी तरफ खूब आकर्षित किया। ये वो गाने थे जिन्हें आज भी हमने कभी न कभी तो जरूर सुना होगा। किसी की मुस्कुराहटों पे हो निसार, कहां मेरा जिगर गया जी, अभी अभी यहीं था किधर गया जी। ओ बेटा जी, अरे ओ बाबू जी, किस्मत की हवा कभी नरम कभी गरम। मेरा जूता है जापानी, ये पतलून इंग्लिस्तानी, सर पे लाल टोपी। और साथ ही उस टाइम के डायरेक्टर्स ने आम आदमी के मुद्दे जैसे अमीरी गरीबी, जाति प्रथा पे मूवीज बनाना शुरू किया। उस टाइम पर इस क्रिएटिव कॉन्सेप्ट पे बनी मूवीज को लोगों ने खूब ज्यादा सराहाया। साल आया 1951 का, जिसमें मूवी रिलीज हुई आवारा, जिसे राज कपूर ने खुद ही डायरेक्ट किया था। आवारा हूं, आवारा हूं, या गर्दिश में हूँ, आसमान का तारा हूँ।
ये मूवी इतनी बड़ी ब्लॉकबस्टर हुई कि उस टाइम पर बने सारे रिकॉर्डों को तोड़ दिया और धीरे धीरे और भी मूवी जैसे बैजू भावरा, दो बीघा जमीन, मिर्जा गालिब और श्री 420 जैसी पॉपुलर मूवीज रिलीज हुई। श्री 420 में नरगिस दत्त और राज कपूर की जोड़ी को खूब ज्यादा पसंद किया गया। प्यार हुआ, इकरार हुआ है, प्यार से फिर क्यों डरता है दिल। जिसके बाद साल 1960 में डायरेक्टर के आसिफ ने अपना सब कुछ दांव पे लगाकर एक इतिहास रचा और आज हम लोग इस इतिहास को मुगले आजम के नाम से जानते हैं। मुगले आजम उस टाइम की सबसे ज्यादा महंगी फिल्म थी जिसको बनाने में लगभग 1.5 करोड़ की लागत आई थी और साथ ही इस फिल्म ने उस टाइम के सारे रिकॉर्ड तोड़ते हुए 9.90 करोड़ की कमाई की थी और अगर इस कमाई को आज के इन्फ्लेशन के हिसाब से जोड़े तो लगभग 2200 करोड़ से भी ज्यादा की कमाई थी और वहीं आज की मूवीज अगर 200 से 300 करोड़ पार कर लेती हैं तो उसे पूरे साल न्यूज चैनल पर गाया जाता है। उसके बाद आगे आने वाले सालों में धीरे धीरे कर और भी एक से बढ़कर एक मूवीज रिलीज होती चली गई जैसे ब्लफ मास्टर, पड़ोसन और संगम जैसी मूवी। बोल राधा बोल, संगम होगा के नहीं। जहां 1960 का दशक खत्म होते होते हिंदी सिनेमा को पहली बार उसका नाम बॉलीवुड मिला और साथ ही 1969 में एंट्री हुई हिंदी सिनेमा के सबसे बड़े नायक अमिताभ बच्चन की और वहीं दूसरी तरफ हिंदी सिनेमा का गोल्डन एज कहे जाने वाला पीरियड का खात्मा हुआ। अब भारत की जनता एक जैसी मूवीज देख देख कर उब चुकी थी। अब उनको अपनी मूवीज में चाहिए था मसाला, मेलोड्रामा और कॉमेडी, इसलिए उन्हें 70 के दशक में मिली जंजीर, डॉन और शोले जैसी फिल्में। अंग्रेजों के जमाने के जेलर। 70 के दशक का मेन चेहरा भले ही अमिताभ बच्चन ही रहे हों, पर इसके बाद साल आया 1980 का, जिसे बॉलीवुड का वर्स्ट फेस या पहला डिक्लाइन फेस बोलते हैं। इस फेस में बॉलीवुड सिर्फ एक जैसी ही मूवीज बना रहा था, जहां एक हीरो होता था और हीरोइन विलन के चुंगल में फंस जाती थी और हीरो उसको बचाने आ जाता था। उस टाइम पर वुमेन्स को सिर्फ एक कमजोर इंसान की तरह ही पोर्ट्रे किया जाता था। आपकी सहेलियां ठीक कह रही हैं। कहाँ जा रही हैं आप? छोड़ो मेरा हाथ, वरना मैं चिल्लाऊंगी। ऐसा मत करना, समझेगी तो भागल हो। और साथ ही लीड रोल में चाहे हीरो हो या विलन, वही दो चार गिने चुने चेहरे ही दिखते थे और फिल्मों को न कि आर्ट की तरह बल्कि सिर्फ बिजनेस और पैसा कमाने के जरिए की तरह ही देखा जा रहा था, जिसके वजह से राइटर्स जल्दबाजी में कुछ भी डायलॉग्स लिखने लगे कि जान बचाने के लिए, जिस्म की गर्मी देने के अलावा अब और कोई रास्ता नहीं। लगता है मेरे घर की गैस खत्म हो गई, मैं चला अपने बदन की गर्मी से पराठे से। और क्योंकि लोगों के घर अब टीवी सेट आ चुके थे, इस वजह से अच्छे घर के लोगों ने मूवी थिएटर जाना ही छोड़ दिया था। जिसके बाद 80 का दशक खत्म होते होते एक ऐसा चमत्कार हुआ जिसने बॉलीवुड इंडस्ट्री की किस्मत को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। 1980s का जो दौर रहा वो सिनेमा का डेथ का वो दशक था। उस वक्त वीडियो आ गया था, थिएटर्स की हालत बहुत खस्ता थी, अच्छे घर वाले आप जैसे लोगों के यहाँ जो है कोई फिल्में देखने नहीं जा रहा था, तो फिल्मों का एक स्तर बहुत गिरा। उसके बाद एंड ऑफ 80s जो शुरुआती दौर 90s का रहा, पोस्ट लिबरलाइजेशन, एक नया हीरो पैदा हुआ, शाहरुख खान। जी हाँ, ये चमत्कार कोई और नहीं बल्कि शाहरुख खान, सलमान खान, आमिर और साथ ही अक्षय कुमार की एंट्री थी बॉलीवुड में। साल 1992 में सरकार की लिबरलाइजेशन पॉलिसी के बाद बड़े बड़े इंटरनेशनल प्रोडक्शन हाउसेज जैसे सोनी, वायाकॉम 18, स्टार स्टूडियोज की एंट्री इंडिया में हुई, जिसके बाद जाकर बॉलीवुड के प्रोडक्शन बजट से लेकर सेट की क्वालिटी सब कुछ बदल गया। अब न केवल बॉलीवुड और भी ज्यादा मूवीज साल में रिलीज कर रहा था,
बल्कि अब डायरेक्टर्स भी फिल्म की स्क्रिप्ट और डायलॉग पर भी ज्यादा ध्यान दे रहे थे। साल बीतते गए और धीरे धीरे कर बॉलीवुड एक से बढ़कर एक मास्टरपीस मूवीज रिलीज करता रहा, कि सिर्फ इंडिया में ही नहीं बल्कि बॉलीवुड की लोकप्रियता पूरी दुनिया में बढ़ती चली गई। जहां 90s के टाइम पर DDLJ, बाजीगर, बॉर्डर और हम आपके हैं कौन जैसी क्लासिकल मूवीज रिलीज हुई, और वहीं दूसरी तरफ 2000 के दशक में एक से बढ़कर एक मूवीज जैसे स्वदेश, दिल चाहता है, लगान, तेरे नाम और तारे जमीन पर जैसी मास्टरपीस मूवीज रिलीज हुई। और आखिरकार शुरू हुआ 2007 का दशक, जिसने जाकर नींव रखी आज के मॉडर्न बॉलीवुड की। पर ऐसा हुआ क्या उस टाइम पर कि पूरा बॉलीवुड आज बर्बादी के आलम पे आ खड़ा हुआ है। 2010 का दशक खत्म होते होते बॉलीवुड में एंट्री होने लगी सेकेंड जनरेशन एक्टर्स की, जहां स्टूडेंट ऑफ द एयर से वरुण धवन और आलिया भट्ट, सावरिया से रणबीर कपूर और तो और हीरोपंती से टाइगर श्रॉफ जैसे और भी एक्टर्स की एंट्री हुई, जिसके बाद बॉलीवुड फैंस ने सोशल मीडिया पर बॉलीवुड को नेपोटिज्म के लिए क्रिटिसाइज करना शुरू किया। हालांकि बॉलीवुड स्टार का इंडस्ट्री में लॉन्च होना कुछ नया नहीं था, 90s और 2000 के टाइम पर बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई और स्टार किड्स लॉन्च हुए थे, पर जिसमें ज्यादातर सभी फ्लॉप हो चुके थे एक आधे को छोड़कर। पर फिर भी बॉलीवुड ने अपनी पुरानी गलतियों से कुछ भी नहीं सीखा और अपनी गलतियों को दोहराना ही बेहतर समझा। बॉलीवुड में स्टार किड्स की एंट्री के बाद ओवर एक्टिंग का चलन भी वापस आ गया, जहां एक तरफ कुछ एक्टर्स हद से ज्यादा ओवर एक्टिंग कर रहे थे। मुझे फोड़ने के लिए कोई रीजन नहीं, लेकिन बहुत बड़ा इमोशन में वही है। वाह, क्या एक्टिंग कर रहा है। वहीं दूसरी तरफ कुछ एक्टर्स तो ऐसे थे जिन्हें एक्शन, कॉमेडी या ड्रामा कोई भी सीन दे दो, वो एक ही एक्सप्रेशन में एक्टिंग करते हैं। साल 2016 के बाद इंडिया में एंट्री हुई नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम, ऑल्ट बालाजी और हॉटस्टार जैसे OTT प्लेटफॉर्म। इन इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स ने 250 रुपए से भी कम दामों में अनलिमिटेड कंटेंट देना शुरू किया। अब व्यूअर्स घर बैठे ही कोई भी मूवीज या सीरीज जब चाहे तब स्ट्रीम कर सकते थे, जो कि दूसरी वजह बनी बॉलीवुड की बर्बादी। इन OTT प्लेटफॉर्म के वजह से ही लोगों ने मूवी थिएटर तक जाना कम कर दिया, जिसकी वजह से हाल ही में रिलीज हुई कुछ मूवीज तो इतनी बड़ी डिजास्टर हुई कि प्रोड्यूसर्स का लगाया पैसा तक वापस छूट नहीं पाया। इंडिया में टिकटॉक, इंस्टाग्राम रील्स और यूट्यूब शॉर्ट्स का बढ़ता चलन भी एक वजह बना बॉलीवुड की बर्बादी का। ये एक मिनट से भी कम की अट्रैक्टिव वीडियोस ने व्यूअर्स का अटेंशन काफी हद तक कम कर दिया, जिसके वजह से अब लोग मूवी से ज्यादा छोटी छोटी सीरीज देखना पसंद करने लगे। बॉलीवुड की इतनी बड़ी डाउनफॉल की सबसे बड़ी वजह बनी बॉलीवुड इंडस्ट्री का रीमेक कल्चर। इस टाइम पर बॉलीवुड या तो हॉलीवुड मूवीज या तमिल मूवीज का रीमेक बना रहा है या पुरानी क्लासिकल मूवीज का रीमेक। और अगर जाने अनजाने में कोई मूवीज हिट हो जाती है तो बॉलीवुड तब तक उसके पार्ट्स बनाता रहता है जब तक वो मूवी पिट ना जाए। अब हीरोपंती 1 जैसी डिजास्टर मूवी का पार्ट हीरोपंती 2 बनाने की जरूरत थी भी या नहीं। अब वहीं स्टूडेंट ऑफ द ईयर की सक्सेस के बाद जबरदस्ती उसका नया पार्ट बनाकर फ्लॉप कर दिया गया। शायद अगली समस्या जो मेरे हिसाब से बॉलीवुड को झेलनी पड़ रही है वो है, इस टाइम पर बॉलीवुड के पास कोई फेस नहीं है जो आगे चलकर लंबे समय के लिए बॉलीवुड को उसकी पहचान पूरी दुनिया में बनाए रखे। अगर इस टाइम पर बड़े चेहरे जो बॉलीवुड को पूरी दुनिया में पहचान दिलाए हुए हैं वो है सलमान खान, शाहरुख खान, आमिर खान और अक्षय कुमार, और अगर आप 10 या 20 साल पहले जाएं तो भी आपको यही चेहरे सलमान, शाहरुख, आमिर और अक्षय ही दिखेंगे। पर क्या ये सेलिब्रिटी आज की जनरेशन जी के साथ कनेक्ट बना पा रहे हैं? तो इसका जवाब है शायद नहीं, क्योंकि आज की ऑडियंस का अटेंशन स्पैन भी कम है और इनको BTS और TikTok जैसे यंग सेलिब्रिटीज पसंद आ रहे हैं। अब इनकी पसंद जो भी हो, बॉलीवुड इंडस्ट्री को इनके हिसाब से अपने कंटेंट को ढालना पड़ेगा। यानी बॉलीवुड को जरूरत है कुछ नए चेहरों की जो कि यंग और टैलेंटेड हो और साथ ही इंडस्ट्री में बिल्कुल नए हो, जो आकर बॉलीवुड की डूबती नैया को पार लगा सके। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसको अपने पेरेंट्स और अपने पहले की जनरेशन को सेंड करें ताकि उनकी यादें ताजा हो सके, और अपने फ्रेंड्स को जरूर भेजें ताकि उनको पता चल सके कि बॉलीवुड की आखिरकार शुरुआत हुई कैसे। तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना।